नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू हल्द्वानी उत्तराखंड से। दोस्तों, आज मैं आपको अपने टेरेस का ओवरव्यू देने वाली हूं और जो कबाड़ की चीज़ों में कितने खूबसूरत फ्लावर्स खिल रहे हैं वो सब दिखाने वाली हूं कि किस तरह से कबाड़ का बेहतरीन यूज करके और जो घर से निकलने वाले कूड़े वगैरह होते हैं, जो हमारा किचन का वेस्ट होता है, उससे बेहतरीन कंपोस्ट तैयार करके किस तरह की मेरे गार्डन में टेरेस पर फ्लावरिंग हो रही है, यही सब दिखाने वाली हूं। पर उससे पहले ग्राउंड में जो गार्डन है, अब वहाँ सनलाइट की कमी हो गई है, तो वहाँ का भी एक व्यू आप देख लीजिए। इस तरह से दिख रहा है, बहुत बस थोड़ी सी देर के लिए सनलाइट दिख रही है वहाँ पर, और इधर की चली जा चुकी है। अब जो है कुछ समय के बाद यहाँ की सनलाइट भी चली जाएगी। तो इस समय जो गार्डनिंग अच्छी होती है वो टेरेस पर ही होती है। टेरेस पर जो है मटके हैं, पॉली बैग हैं, टब है, बाल्टियाँ हैं, मतलब जो पॉट्स हैं वो कम से कम मिलेंगे। हाँ, बस दो चार ये ग्रो बैग जो हैं प्लास्टिक के, ये हैं, बाकी कोई चीज़ आपको यहाँ पर ऐसी नहीं मिलेंगी कि अच्छे अच्छे सुंदर पॉट रखे हों। यहाँ सिर्फ कबाड़ ही कबाड़ है और कबाड़ में ही बेहतरीन फ्लावरिंग हो रही है। दोस्तों, मैरीगोल्ड देखिए। अब मैरीगोल्ड, ये जो पहले ये मैरीगोल्ड जो है मैंने कटिंग से तैयार किया हुआ है, और इसमें देखिए कितने सारे ब्लूम आए हुए हैं और कितना छोटा छोटा सा, क्योंकि बड़े पेड़ जो हमारी देसी वैरायटी होती हैं वो हाइब्रिड वैरायटी की अपेक्षा ज़्यादा फ्लावरिंग करती हैं। और इनको जो है आप लंबे प्लांट होने दीजिए, उसके कटिंग से इसके नए प्लांट तैयार किए, तो कटिंग जो लगाते हैं उस पर बहुत अच्छे फ्लावर्स होते हैं। तो ये देखिए कितने सुंदर मैरीगोल्ड के फ्लावर खिले हुए हैं। अब ये देखिए इस कनिस्तर में लगा हुआ है, क्योंकि इस पर पहले मैंने गुड़हल का प्लांट हुआ था, अब ये टूट गया ऊपर से, तो इसमें गुड़हल नहीं चल सकता। तो मैंने कुछ समय के लिए, जिससे कि मेरा नीचे फर्टिलाइजर तैयार हो जाए, मेरा मेन उद्देश्य जो है इन कबाड़ को यूज करने का ये होता है। हमारे घर में दो परिवार रहते हैं और दोनों परिवार का कूड़ा हम जो है अपने घर में ही डिकम्पोज करके अपने गार्डन में इस्तेमाल करते हैं। तो अब के सीजन में जो है गेंदा हर कोई फ्रेंड लगा सकता है, बहुत आसानी से मिल भी जाता है, आपके आसपास भी कई प्लांट तैयार होंगे, छोटी छोटी कटिंग भी लाकर आप कुछ दिनों पालते हैं, पेशेंस चाहिए होता है इन चीज़ों के लिए, तब तैयार होता है। तो उसके बाद जो है इनमें आप अपने घर में फर्टिलाइजर भी तैयार करें। तो देखिए इस तरह के जो ये बैग हैं, देखिए ये तो कहीं हर किसी के पास होते हैं, तो इनमें मैंने जो है ये कूड़ा भर रखा है, पूरा भर के इसको जो है मिट्टी डाल के, फिर देखिए आपको इस तरह से जो है फ्लावरिंग मिलती है। जब मेरा ये प्लांट ख़त्म होगा तो उसके बाद शायद इसकी एज बचेगी, तो कनिस्तर की ठीक है, नहीं तो इसको हटाकर फिर मैं जो है अपना फिर ये कबाड़ में दिख जाएगा। कहीं भी मतलब बर्बाद करने की कोई गुंजाइश मुझे नहीं लगती अपने इस कबाड़ के इस्तेमाल में। सदाबहार की हाइब्रिड वैरायटी बारिश में बहुत बचाई, बहुत मेहनत से बचाई हैं, क्योंकि इन पर पानी पड़ने से जहाँ पर पानी की बूंदें पड़ती थी वहीं से इसके प्लांट पर फंगस लगती थी, फिर भी किनारे पर रख रख के बचाई। तो अब देखिए इसके रिजल्ट, और ये देखिए इस पर लगा हुआ ये भी जो है बैग है, इसका आटे का बैग है और उस पर लगा हुआ है, और देखिए कितनी सुंदर इसके फ्लावर्स खिले हुए हैं। तो इसकी कटिंग से इस समय भी बहुत बेहतरीन प्लांट तैयार हो जाते हैं और काफ़ी सुंदर ये प्लांट है। ये देख लीजिए आप, मेरे पास बहुत सारे कलर के जो है सदाबहार के प्लांट है, हाइब्रिड वैरायटी के भी। हाइब्रिड वैरायटी जो है अभी तो इसमें बहुत बड़े बड़े फ्लावर आ रहे हैं, कुछ समय के बाद जो है इसके फ्लावर थोड़े छोटे हो जाएंगे। देखिए कबाड़ में ही इस तरीके से हाइब्रिड वैरायटी के कटिंग से तैयार प्लांट है ये कोरिएंडर का प्लांट है, और ये भी जो है इस तरह के जो है, ये एक बैग मुझे कहीं से मिला था उसमें लगा हुआ है, ये भी बिल्कुल कबाड़ में आसानी से रेडी हो जाता है। ये मुझे गिफ्टेड प्लांट है, ये गिफ्ट मिला था मुझको। रोज़ का कलेक्शन देखिए, रोज़ देखिए कितना सुंदर रोज़ खिले हुए हैं और लगा है इस तरह के पॉली बैग में ही। अपने रोज़ की प्लांट की सफाई करिए, उन पर जो है जो लीफ सूख गई है उनको हटाइए, और जो फ्लावर ख़त्म हो जाते हैं उनको भी कट करिए। साथ ही जो है जिस सीजर से आप इसकी कटिंग करेंगे उसको डिसइंफेक्ट जरूर करना चाहिए, नहीं तो इसमें बहुत जल्दी फंगस लगती है। आने वाला समय अब रोज़ का ही है, देखिए कितने सुंदर रोज खिले हुए हैं। मंडा के प्लांट जो हैं बहुत तेज सनलाइट में होते हैं, इसलिए सबको जो है छत पर रखा गया था, तो अब जो है अब आने वाला समय इनकी फ्लावरिंग का नहीं है, तो इनकी हम हार्ड क्लोनिंग कर सकते हैं। क्लोनिंग करने के बाद देखिए दोस्तों, मेरे पास कई वैरायटी येलो दिख रही है, आपको यहाँ पर दूसरा कलर भी दिखेगा। तो बहुत सारी वैरायटी के मेरे पास जो हैं ये अलमंडा हैं, इन पर जो है अब मैं इनको नीचे, जब तक अभी फ्लावरिंग हो ही रही है तो इसलिए मैंने इनको नीचे की तरफ लटका दिया है। अब गोमफिना देखिए, इस प्लांट को हम सदाबहार बना सकते हैं, पूरी साल अपने गार्डन में चला सकते हैं। जैसे ही आपके प्लांट सूखते हैं आप इसकी सीड्स वगैरह तैयार करिए, कटिंग से भी तैयार कर सकते हैं। तो ये सब जो है जो छोटे छोटे जो पॉली बैग बेकार होते हैं, ये देखिए डिब्बे हैं जो बेकार, अब कुछ समय फिर भी जाएंगे, तो हमें को कुछ समय तक ये अच्छी फ्लावरिंग करेंगे और साथ ही फर्टिलाइजर बना कर देंगे।
ये देखिए कॉस्मोस को भी हम जो है परमानेंटली अपने गार्डन में फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो ये सीड से नए मेरे उसके प्लांट तैयार हो चुके हैं। और नीचे से देखिए ये पूरा जो है एक जो है इसका बैग है कार्डबोर्ड का, और ये पूरा कार्डबोर्ड का इसको मैंने जो है नीचे गार्डन का जितना कूड़ा इकट्ठा होता है वो सब करके ऊपर से लगा रखा है। साथ ही मेरा इसमें फर्टिलाइजर आसानी से रेडी हो रहा है। का काम मेरा ये है कि मैंने अपने गार्डन में जितने भी यहाँ पर टेरेस पे झाड़ू लगाया सब इकट्ठा कर दिया इस तरीके से, और इसको जो है थोड़ा पानी डाल दिया है। इस पर लगे हुए प्लांट सुंदर तो दिखाई देते हैं पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। इतने सारे प्लांट हैं उनके नीचे उठा उठा के जो है झाड़ू लगाना ये सब करना, तो उससे जो है बहुत ज़्यादा काम पड़ता है पर लगते भी बहुत खूबसूरत हैं। तो इस तरह से कितनी बेहतरीन फ्लावरिंग हो रही है। आपका समय जो होता है वो टेरेस के लिए सर्दियों में गार्डनिंग करने का बहुत अच्छा होता है। परमानेंट फ्लावरिंग तो हो ही रही है, साथ ही विंटर की तैयारी भी चल रही है। ये कैलेंडुला के मेरे सीड से तैयार प्लांट हैं। देखिए दोस्तों तोरोनिया वगैरह कल मैंने सफाई करके सारे जो है ये बैग भर दिए हैं। ये देखिए ये पूरे जो है बैग भरे पड़े हुए हैं, और इनके ऊपर से मिट्टी डाल के इनको मॉइस्ट सॉइल को मॉइस्ट कर रखा है, तो जिससे कि इसमें कुछ समय डिकम्पोज होगा और फिर मैं इसमें प्लांट लगाऊंगी। देखिए तोरोनिया भी बहुत सुंदर फ्लावरिंग कर रहा है। प्याज वगैरह के लिए भी देखिए छत पर रखना अब ठीक रहेगा, इनको बहुत ज़्यादा ठंड से इनको परेशानी होगी और ये जो है इनकी पत्तियां बर्न हो जाएंगी। टेरेस पर जो है इनको थोड़ी बहुत प्रॉपर सनलाइट मिलने से इनकी लीफ सही रहेंगी और साथ ही आपको साल भर तक ये फ्लावरिंग करते रहेंगे। ये सिंगल पेटल जो है हिबिस्कस का प्लांट है, ये मैंने कटिंग से तैयार किया था, तो देखिए दो तीन कटिंग लगाई थी तो इसमें से दो में जो है ये फ्लावरिंग जो है बर्ड्स आ गई हैं। शुरू की बर्ड्स मैंने पिंच करके हटा दी थी क्योंकि प्लांट बहुत छोटा था, अब मैं इनको जरा इनकी फ्लावरिंग ले लेती हूँ। जरूरी नहीं है कि हमारे कई फ्रेंड्स जो है गांव में रहते हैं कि हम बहुत सारे सुंदर सुंदर पॉट्स मिल जाएं, हमको कई लोग नहीं ला पाते हैं, कई के बजट में नहीं होता है, तो बजट फ्रेंडली गार्डनिंग करने के लिए भी ये बहुत अच्छा तरीका होता है कि अपने घर के जो है आसपास के, क्योंकि मेरे को तो हमारे पड़ोसी भी बहुत सारा जो उनके घर से वेस्ट निकलता है वो सब दे देते हैं, तो उनको भी मैं इस तरह से गार्डन में जो है रीयूज कर लेती हूँ। इससे जो है जो गार्डन में वो लोग अपनी फ़ोटो खिंचा कर ले जाते हैं और मेरे लिए जो है इतने सुंदर फ्लावर जो मेरे मन को खुश करते हैं। तो इस तरह से जो है हम सब ने जो है बजट फ्रेंडली इको फ्रेंडली गार्डनिंग करनी चाहिए, जो है कि खाली बहुत सुंदर सुंदर पॉट ला के उसमें जो है हम प्लांट नर्सरी से ला के लगाएं उसी से नहीं होता है। हम जो है इस तरह से अपने कबाड़ से और जो है कबाड़ के जुगाड़ तैयार करें और साथ ही कटिंग से बहुत सारे प्लांट भी तैयार कर सकते हैं। सीडलिंग करनी चाहिए, बड़े प्लांट होते हैं उनकी जड़ पर जो है इस तरह के देखिए फ्लॉक्स के कितने सारे मेरे प्लांट रेडी हो चुके हैं, तो सीडलिंग वगैरह भी अपने गार्डन में जरूर करनी चाहिए। अपने आसपास सफाई रखें, साथ ही जो है कबाड़ को अपने गार्डन में रीयूज करके ब्यूटीफुल यूज करें। खाली इस तरह से लाके लगा दिया तो वो खूबसूरत नहीं दिखाई देता है। प्लांट जो है एक जो है शेप में अरेंज होने चाहिए, एक सीध में रखे होने चाहिए, उनकी हाइट के हिसाब से प्लांट रखे होने चाहिए, तो उस तरह से एक अरेंजमेंट होना चाहिए। साथ ही कलर वगैरह जरूर करना चाहिए अपने प्लांटर को, उससे जो है प्लांटर की एज भी बढ़ती है साथ ही प्लांटर जो है खूबसूरत भी दिखाई देते हैं, तो उसमें चार चांद लग जाते हैं गार्डन में इन चीज़ों से। पहले ये बोगनवेलिया के दो प्लांट देखिए आप, ये बोगनवेलिया जो है इस तरह के पुराने मटकों में लगे हुए हैं और ये देखिए कितने सुंदर इनमें फूल खिले हुए हैं और बहुत बड़े बड़े प्लांट हो गए हैं, साथ ही ये प्लांट बहुत पुराने भी हो गए हैं। आप इनके स्टेम से इसका आकलन कर सकते हैं, देखिए कितनी मोटी मोटी स्टेम है इनकी, तो इस तरह से इनमें फ्लावरिंग हो रही है। और देती क्या हूँ मैं इनके अंदर, इनको कम पानी देना होता है जब तक इसको फ्लावरिंग पर लाना होता है। परमानेंट प्लांट है, साल भर जो है रुक रुक कर ये फ्लावरिंग करते हैं। अभी ये फ्लावरिंग खत्म हो जाएगी जब बहुत ठंड पड़ जाएगी, तो कुछ वैरायटी बोगनवेलिया में ऐसी होती है जो बहुत ठंड में खिलती है, जो गुच्छे वाला फ्लावर होता है वो अक्सर मैंने इसमें ऑब्जर्व कर रखा है कि वो बहुत ठंड में खिलते हैं, और ये वाले जो होते हैं ये थोड़ी कम ठंड और जो है मार्च अप्रैल में बेहतरीन फ्लावरिंग होती है। तो इस समय जो है इनको इनसे नजरें नहीं हट रही हैं, इतनी सुंदर इनके अंदर जो है फ्लावरिंग हो रही है। देखिए आप पूरी ब्रांचेज जो है तरह तरह के, देखिए ये पहले कलर जो है रेड होता है, रेड के बाद इस तरह से हल्का हल्का होता जाएगा और कितना सुंदर दिखाई दे रहा है ये कलर। ये लेंटाना है, लेंटाना की खूबसूरती अब जो है ग्राउंड जो गार्डन है वहाँ पर कम हो गई है क्योंकि इस प्लांट को जो है भरपूर धूप चाहिए। तो ये छत पर देखिए इसकी वो देखिए खूबसूरती देखिए, और ये लगा है इस तरह के, देखिए ये ऑनलाइन जो हमारे सामान मंगाते हैं वो बैग है, और उस बैग में देखिए कितने समय से ये चल रहा है और नीचे पूरा गार्डन का कूड़ा है। तो इस तरह से देखिए कितने सुंदर इसके अंदर लेंटाना के फूल खिले हुए हैं।
ये देसी कॉक्सकॉम है, इसे मुर्ग केस भी कहते हैं। तो ये प्लांट जो है बिल्कुल लो मेंटेनेंस प्लांट है, कोई केयर नहीं मांगता है। वो भी इसी तरह से ये आशीर्वाद का जो बैग आता है इसी में लगा हुआ है। और देखिए छोटा छोटा प्लांट है, वैरायटी अच्छी वाली है इसकी। तो ये भी देखिए इतना अच्छा लुक दे रहा है। हॉलीहॉक प्लांट, अभी हम इसकी हॉलीहॉक की सीडलिंग कर रहे हैं। और जो पुराने प्लांट हैं उन पर देखिए इस तरह से पूरे देखिए फूलों से भर चुके हैं, कितना सुंदर हॉलीहॉक है। और जो है इनमें सीड प्रिपेशन भी हो रही है, पर इन सीड को ना संभालते हुए, मेरे पास तो पुरानी सीड है, उन्हीं से मैंने नए प्लांट जो है ग्रो कर दिए हैं। जब ये फ्लावर सूखते हैं तो हर फ्लावर में एक सीड पॉट रेडी होता है, और उस सीड पॉट में बहुत बेहतरीन तरह से लगे हुए बहुत सारे सीड्स आपको मिल जाते हैं। तो ये कई कलर्स में होते हैं। इस समय इस गार्डन में ग्रो करने का अच्छा समय होता है। ये प्लांट जो जुलाई अगस्त में लगाए गए थे उनमें फ्लावरिंग है ये, और 3-3.5 महीने में इसके प्लांट जो है फ्लावरिंग पर आ जाते हैं। तो इस तरह से जो है मल्टी ब्रांचेज होती हैं, खूब सुंदर प्लांट होता है। इसके लिए बहुत छोटा पॉट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, थोड़ा बड़ा ही पॉट इसको देना चाहिए। मैंने बोगनवेलिया के प्लांट जो है परमानेंट प्लांट होने के कारण इसे कई प्लांट का कलेक्शन कर रखा है। मेरे पास बहुत सारे कलर हैं। ये देखिए येलो कलर और रेड कलर जब पास में रखे होते हैं तो उनकी खूबसूरती कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है। तो ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये, इसमें कलर देखिए। और येलो कलर भी मेरे पास येलो भी है, वाइट भी है, रेड भी है, बहुत सारे कलर में जो है बोगनवेलिया है। बोगनवेलिया के प्लांट को हम कटिंग से भी बहुत आसानी से तैयार कर लेते हैं। तो ये जो है काफ़ी बेहतरीन प्लांट होता है। जिन लोगों के पास कम समय होता है, जो लोग कम केयर कर सकते हैं अपने प्लांट की, तो उन लोगों के लिए भी एक बेहतरीन प्लांट है। साथ ही जो है इस प्लांट को जिनकी यहाँ बहुत तेज़ सनलाइट और पानी की कमी है, तो उन लोगों के लिए भी ये प्लांट बहुत अच्छा होता है। बोगनवेलिया का जो प्लांट है ये जो येलो कलर है, ये देखिए इस तरह के कनिस्टर में लगा हुआ है। ऑयल के कनिस्टर होते हैं जो पुराने, ये कबाड़ी से लिया था मैंने, तो 20-20 रुपए की या 25 रुपए में आसानी से कबाड़ी वाले इसको दे जाते हैं। तो और साथ ही जो है घर पे भी निकलने वाले होते हैं उनसे भी ये प्लांट जो है पुराने ऑयल कैन जो होते हैं इस तरह के, उनमें हम इसको लगा सकते हैं। चंपा, ये जो है बहुत लॉन्ग टाइम तक अगर आपको फ्लावर चाहिए, तो अगर आपका चंपा का प्लांट सीड में रखा है तो उसको जो है थोड़ी सी बहुत तेज़ सनलाइट जहाँ पर आपके गार्डन में आ रही है वहाँ पर शिफ्ट कर दीजिए। तो ये प्लांट भी मेरा जो कलर की पाल्टी होती है हमारी उसमें लगा हुआ है, और सबको मैंने पेंट कर रखा है। देखिए कुछ में फ्लावरिंग हो रही है, कुछ में अभी होगी। तो इस तरह से देखिए सारे जो है ये कनिस्तर जो है इस तरह से लगे हुए बहुत खूबसूरत दिखाई देते हैं। ये बोगनवेलिया की वेरीगेटेड वैरायटी है। इसके अगर फ्लावर्स नहीं भी खिलेंगे तो इसके लीफ जो है काफ़ी खूबसूरत दिखाई देते हैं। ये भी देखिए इस तरह का फेविकॉल का एक डिब्बा था उसमें लगा हुआ है, और ये देखिए कम पानी दिया था। तो ये प्लांट मैं जो है पहले भी था मेरे पास, एक बार जब मैं बाहर थी तब ये मर गया था, तो दोबारा से मैं इसको लाई थी। तो इसको भी देखिए बहुत सुंदर इसी साल में लाई हूँ। ये जो है मैंने आपसे शेयर भी किया था, इसको मैं प्लांट को जो है अगस्त के करीब लाई थी शायद। तो ये देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है हमारे यहाँ। फिफिक्स हमारे यहाँ बहुत लॉन्ग टाइम से फ्लावरिंग कर रहे हैं, तो इन पर जो है सीड पॉट बहुत ज़्यादा रेडी हो गए हैं। अब मैं इसके एक दो प्लांट रख के बाकी प्लांट को हटा दूंगी। सब कबाड़ के ही जुगाड़ है यहाँ पर। तो ये मेरे पास वाइट मुसंडा है, वाइस मुसंडा भी मैंने ये छत पर रख रखा है, ये पॉट पर लगा हुआ है। पिंक मेरा जमीन में लगा हुआ है, तो इस पर भी देखिए कितनी अच्छी है इसके फ्लावर चल रहे हैं। और इसका तो ये पॉली बैग भी अब फटने को तैयार है, क्योंकि मुझे कुछ समय के बाद जो है इसका पॉली बैग ही चेंज करना पड़ेगा। एक पॉली बैग को मैं करीब जो है साल भर तक, अगर उसमें जो थोड़ी सी और दम होती है तो मैं उसको 2 साल भी चला देती हूँ। ये लॉलीपॉप फ्लावर है, ये प्लांट इसको जो है कई बार लक्ष्मी गणेश भी कह रहे थे और कोई सुख शांति प्लांट भी कहता है। तो ये प्लांट को जो है कम पानी दीजिए, प्रॉपर सनलाइट दीजिए। इस समय इस वाली वैरायटी को, ये थोड़ी नाजुक होती है, तो ये भी देखिए कबाड़ में ही लगी हुई है पूरी तरीके से। टेरेस पर जितने भी प्लांट लगे हुए हैं वो सब किसी मटके में या पॉली बैग में या इस तरह की जो बेस्ट मटेरियल होता है उसी में लगे हुए हैं। दोस्तों ये गिलार्डिया की शॉर्ट वाली वैरायटी है, मेरे पास बहुत सारी वैरायटी है। और इसको भी देखिए आपने बिल्कुल फ्रेश प्लांट दिख रहा है, जैसे समर में फ्लावरिंग करता है उसी तरह की फ्लावरिंग इसमें हो रही है, क्योंकि ये टेरेस पे रखा हुआ है। और देखिए ये लगा हुआ है कनिस्तर, वो बीच में से काट कर उस पर लगा रखा है। ये देखिए कितना सुंदर दिखाई दे रहा है ये भी।